आई एम कराची, आई एम कराची, आई एम कराची. मैं ये सुन सुनी मुझे इतना अच्छा लगा, ये जो मेरी सारी बच्चियाँ बैठी थी आज मुझसे सच पूछें तो बोला नहीं जाता. मेरा दिल ये चाह रहा था कि मैं उनको सुनती रहूं, क्योंकि मैं ये पाकिस्तान, ये कराची देखना चाहती थी. बहुत अरसे से ये एक तमन्ना थी कि हमारी बच्चियाँ क्यों नहीं आगे आती हैं, क्यों नहीं बोलती हैं, क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से वो आगे नहीं आ रहे हैं. आज जब मैंने इन बच्चियों को देखा, लड़कों से ज़्यादा कॉन्फिडेंट और उनसे ज़्यादा डिसिप्लिन और खुश और अपने काम को एंजॉय करने वाली, मैं यही चाहती थी कि मेरी बच्चियां, हमारे लोग, हमारा पाकिस्तान, हमारे कराची इसी तरह खुशबाश रहे जैसे पहले था. मुझे कराची के लिए बोलने को नहीं कहा गया, ये बताया गया कि मुझे अपनी स्टोरी बतानी है सक्सेस की. मुझे तो पता नहीं मैं कब से शुरू करूं या कहां से शुरू करूं, क्योंकि जितनी इन बच्चियों की दुगनी दुगनी उम्र है उससे ज़्यादा मेरा तजर्बा और मेरी उम्र है. तो इसमें एक जो चीज़ है मैं एक बताऊं, हर बच्चे में, हर इंसान में जब वो पैदा होता है क्वालिटीज़ होती हैं. एक उसकी सलाहियत होती है और एक लीडरशिप होती है. अब ये उन पे मुनहसर होता है कि वो किस तरीके से उन सलाहियतों को आगे ले आए और किस तरीके से उनसे काम ले, अपने में यकीन रखे. सोच के कुछ और आई थी, देखने के बाद सोचा कि कुछ उस तरह से जो इन बच्चियों ने बताया या जो सीमा ने बताया, वो मैं एक चीज़ सवाल आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि एक चीज़ बड़ी कॉमन थी, पता नहीं किसी ने वो महसूस की या न की, वो थी उन बच्चियों के पीछे उनके पेरेंट्स, उनके घर वालों का उनको कॉन्फिडेंस देना. मैं आपको बताऊं, मैं कितनी जगह जाके जब बात करती हूं तो मैं एक ही बात करती हूं कि देखें, आपकी बच्चियां बासलाहियत हैं, उनकी हिम्मत अफजाई कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए. कितना गरीब घराना भी होगा ना, अगर उनकी फैमिली खड़ी है, किसी की मजाल नहीं है सोसाइटी में कि वो कुछ करे. और वो सोसाइटी कौन बनाता है? आप, हम ये मर्द नहीं बना सकते, क्योंकि हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम सब कुछ. लेकिन आप ये देखें, एक नेचर के साथ, औरत के साथ एक चीज़ होती है, वो ये है कि अल्लाह मियाँ ने देखा है, वो बेस्ट मैनेजर होती है. 13 साल की बच्ची को आप शादी करा दें और उस बेचारी से 14 साल में वो उसको बच्चा लेके, उसको पालना भी उसको आता है, सास को भी संभालना आता है और मियाँ के नाज और नखरे भी उठाने पड़ते हैं और उनको जो भी होता है, और वो बेचारी प्लान करती है. अगर उसके पास, उनके पास 500 रुपये की तनख्वाह है तो वो उसमें गुजारा करती है, और अगर उसमें के पास करोड़ों हैं तो वो उसका प्लान करती है कि किस तरह करें. ये औरत ही कर सकती है. तो ये एक चीज़ थी जो मैं सुन के आज इन सब को, क्योंकि अब तो ये मीडिया इतनी कॉमन हो गई है कि अच्छी अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे आने लगे हैं, और कभी कभी इसका क्रेडिट मैं ख़ुद भी लेती हूँ कि ये दानिस्ता कोशिश होती है. क्योंकि जिस ज़माने में हम टेलीविज़न में आए, तो टेलीविज़न तो दूर की बात, रेडियो या टेलीविज़न पे आना मायूब समझा जाता था, बुरा समझा जाता था. लेकिन अब एक फ़ख्र की बात समझी जाती है, और अच्छे घरानों की बच्चियाँ उधर आती हैं. जब हम थे तो या तो डॉक्टर होगी लड़की, या तो टीचर होगी लड़की. बहुत हुआ तो आपने देखा कि आ गई अपने बैंकिंग में, या कहीं और थोड़ा सा आगे बढ़ी तो CSS कर रहे थे. तो ये था.